फगवाड़ा नजदीक पिंड नसीराबाद विखे बेमौसमी बरसात कारण किसानों के चेहरे मुरझा गए। मीह कारण कणक की फसल पूरी तरह जमीन ते डिगण कारण किसानों की चिंता वध गई। किसानों ने दस्सिया कि पहला झोने की फसल का नुकसान हुंदा सी, हुण बरसात कारण कणक की फसल भी बर्बाद हो रही है। किसानों ने पंजाब सरकार पासों मांग की कि खराब हुई फसल की गिरदावरी करवाई जाए और उन्होंने बांधा मुआवजा दिता जाए। मायूस हुए किसानों ने दस्सिया कि बेमौसमी बरसात और तेज़ हवावां कारण कणक की फसल जमीन ते डिगण नाल फसल पूरी तरह ना खराब हो गई है, जिस नाल उह कर्जे दे बोझ थले होर दब गए हन। जिहड़ी बेमौसमी मीह पैण दे नाल सारी कणक जिन्नी भी सारी डिग पई है जी, कोई भी बचा है नहीं गा जिमीदार का, जिन्नी भी कणक बीजी है किसी का भी नहीं है जी। इतों जो कहो एक का है जो का है किसी का भी बचा नहीं है। इन्नी बेमौसमी बारिश नाल है ना जी, मेरे ख्याल दे विच 7 तो 8 क्विंटल मसी निकल गई कणक जिन्नी, तो तूड़ी तो बिल्कुल ही आस नहीं गई जी, तूड़ी तो बिल्कुल ही आस नहीं। हुण देखो की करदे जे तो सरकार मदद करे कुछ जी। हाँ जी, जिहड़ा पिछले झोना निकलिया जी वह 21 नूं जिहड़ी बीमारी पै गई सी, जिदा हुण 25 क्विंटल जां 28 क्विंटल निकलदा जी, उहदे विचों 15 क्विंटल किसे दा 8 क्विंटल किसे दा 7 क्विंटल, इन्ना नुकसान जिमीदार दा होया जिहदा हिसाब कोई नहीं जी। जिमीदार तां पहलां ही बहुत डुब्बिया है जी, सरकार तो अं मंग करते हैं जी आप खेतों की गदौरी करा के जी जो भी बनता सरदा है जिमीदार दिता जाए जी, तो तद ही बचूंगा जी जिमीदार, नहीं तो जिमीदार का कर्जे थले बहुत आ जा जी। असी फसलों बारे दसना से बेमौसमी बरसात जी हुई है, नेरी तूफान आया वो कणक पहले ही बहुत विछ गई सी, उत्तों दोबारा फिर अज बारिश बहुत हुई है जिद नाल कि हुण खेतों में पानी खड़ा हो गया, तो जिद नाल रहिंदा भी जे कोई माड़ा मोटा दाणा सीगा वह भी गलन की उम्मीद आ, बिल्कुल 100% नुकसान है। हाँ तो किन्ने खेत कणक दे लाए लाई हुई है तुसी? मेरे को है जी 65-70 खेत। तो हुण जिन्नी कणक जिहड़ी बारिश नाल खराब हुई है किन्ने के खेत है जी? बारिश नाल जिहड़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है जी 25-30 खेत है जी। एहन भी पई गई जी? नहीं, एहन तो बचा रहा जी साडे इलाके च, उह तां कणक थले डिगी आ हवा दे नाल ते मीह नाल दबी आ थले। तो जिहड़ा हुण कणक डिगी हुई आ उहदे नाल मीह की नुकसान आ, दाणा काला हो सकदा जी किद्दां? उहदे नाल इक तां नुकसान इह आ जी, जिद्दां हुण बारिश हटदी नहीं होर ज़्यादा हो गई, वह दाने उग पैने गिले हो गए जी, तो दूसरा जिहड़ा नाड़ आ तूड़ी तो भी डंगरां दे वह भी सारा गल जाणा जी, तूड़ी भी नहीं किसे काम आउणी। तो की मंग करदे हो तुसीं सरकारां तो? मंग सरकार तो यही करदे आ जी, जे कोई देखे आ के तां ही आ, यही करदे आ भी कोई इहदा कोई बणदा मुआवजा सानूं खर्चा पाणी दित्ता जावे, नहीं तां हालत बड़ा माड़ा आ जी। उधर जो खेतीबाड़ी अफसर परमजीत सिंह नाल फोन पर गलबात की गई तो उन्होंने दस कि फगवाड़ा इलाके 19,200 हैक्टेयर रकबे च कणक की फसल बीजी गई सी। मीह कारण कणक की फसल का जिन्ना भी नुकसान होया है उसकी गिरदावरी तो बाद ही सरकार नूं रिपोर्ट भेज दी जाएगी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ मैं दो ही क्वेश्चन करने हैं सर। सर फगवाड़े च अपनी कितनी कणक बीजी गई सी? 19,200 हैक्टेयर। 19,200 गिरदावरी दे हुकम हो ही गए ना, शिकायतां तां आई नहीं आ। अच्छा जी। कटन वेले जिहड़ी हैगी आ उहदे विच भी प्रॉब्लम आउणी आ, अपने कंबाइन नहीं चकना हैगा जिहड़ा, इस तरह फिर नाली टुट जांदी आ ते उहदा फिर दाणा भी श्रिवल कर जांदा, पूरा दाणा बणदा नहीं है जी। तो गिरदावरी
आम आदमी पार्टी दे फगवाड़ा सर्कल इंचार्ज जोगिंदर सिंह मान ने दस्या कि आम आदमी पार्टी दी पंजाब सरकार जल्द ही किसानां दीआं फसलां दी गिरदावरी करवा के 15,000 प्रति एकड़ मुआवजा देवेगी। किसानां नूं कोई भी मुश्किल नहीं पेश आउण दित्ती जावेगी अते पंजाब सरकार किसानां दे नाल खड़ी है। मैं पुछना सका जिदा बारिश नाल फसलां काफी नुकसान होया कणक नूं ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 15,000 ਏਕੜ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ 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 50% ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ 70% ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ।